अपने चैनल पे। आप सभी को पता है कि जो जेएसएससी पीजीटी का एग्ज़ाम था वो 10 अगस्त को ख़त्म हुआ और 20 सितंबर को इसका आंसर की भी जारी कर दिया गया। बट प्रॉब्लम ये है कि जेएसएससी ने रिस्पॉन्स शीट जो है वो जारी नहीं किया कैंडिडेट लोगों का, जिससे कि प्रॉब्लम ये आ रही है दोस्तों कि लोगों को सही मूल्यांकन नहीं कर पा रहे हैं, खुद से कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं कि उन्होंने कितना स्कोर किया है क्या हुआ है। क्योंकि 150 क्वेश्चन थे, 150 क्वेश्चन में मैक्सिमम लोगों को 80-85 ही याद हो पा रहे हैं, उसमें से भी 10-15 क्वेश्चन कन्फ्यूजन में हो रहा है कि मैंने क्या टिक किया था वहाँ पे, क्या टिक किया था, क्योंकि यहाँ पे आंसर के देखने के बाद लोगों को ऐसा लग रहा है कि शायद मैंने वही टिक किया होगा, तो वो भी कन्फ्यूजन हो रहा है। तो देखिए जैसे कि अदर एग्ज़ाम एसएससी में, आईबी में, आपका बैंकिंग में, या फिर एग्रीकल्चर फील्ड का जो एग्ज़ाम होता है अलग अलग संस्थाएँ लेती है, वो सारी अपने रिस्पॉन्स जो शीट है वो स्टूडेंट की जारी करती है। तो हमारी मांग ये रहेगी जैसे से कि हमें भी रिस्पॉन्स शीट दिया जाना चाहिए। दोस्तों उनके लिए मेल करने का एक मुहिम चलाया गया है। बहुत सारे स्टूडेंटों को ये प्रॉब्लम हो रहा है कि सर मेल कैसे करना है, मेल में क्या लिखना है, सब्जेक्ट में क्या लिखना है, ईमेल आईडी क्या है, किस ईमेल आईडी पे मेल करना है। तो मैं सारी जानकारी स्टेप बाय स्टेप मैं इस वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले हम लोग को दोस्तों क्या करना है कि मेल खोल लेना है। देखिए आप यहाँ पे देख सकते हो कि मेल का यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, मैंने मेल पे क्लिक किया, मेल मेरा ओपन हो चुका है। दोस्तों आप देख सकते हो कि मेल मेरा ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे देखिए कंपोज का एक ऑप्शन आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे कंपोज का ऑप्शन आ रहा है, आप वहाँ पे जाके क्लिक करोगे आराम से, यहाँ पे आपका खुल के आ गया। अब देखिए यहाँ पे एक फॉर्म है, यहाँ पे आपका ईमेल आईडी आ जाएगा दोस्तों, ऐसे यहाँ पे मेरा ईमेल आईडी आ रहा है, मैं भेज रहा हूँ। तो ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे देखिए टू टू में क्या लिखना है कि मैं किसको भेज रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, ये जो आपका टू दिख रहा है यहाँ पे है, सॉरी यहाँ पे टू जो है यहाँ पे दिख रहा है कि मुझे किसको भेजना है, तो मुझे जेएसएससी को भेजना है। तो जेएसएससी का ईमेल आईडी क्या है ये बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अगर इसमें आपने इरर कर दिया तो अब जेएसएससी को जाएगा नहीं, आपकी सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। दोस्तों मेहनत करना होगा, सारे लोगों को एग्जिट होना पड़ेगा, तभी रिस्पॉन्स शीट आएगी। चलिए मैं यहाँ पे डालता हूँ क्या है उसका, देखिए झारखंड, झारखंड आप डाल सकते हैं। देखिए उसके बाद अंडर स्कोर यहाँ पे देखिए मेरा आ चुका है, मैं आपको एक बार पूरी चीज़ें बता देता हूँ। देखिए क्या डालना है यहाँ पे, आप यहाँ पे आराम से पहले देख लीजिएगा, सारे वर्ड देख लीजिएगा, झारखंड लिखा हो दोस्तों, JHARKHAND अंडरस्कोर SSC@REDIFFAMAIL.com, ठीक है दोस्तों, झारखंड _SSC@REDIFFAMAIL.com, ठीक है दोस्तों। अब बहुत सारे लोगों का ये चीज़ तो प्रॉब्लम हो गया, ये चीज़ आप ध्यान से ही भरिएगा दोस्तों। अब बात आता है कि सर सब्जेक्ट में क्या लिखें, सब्जेक्ट में क्या लिखना है, क्या करना है। देखिए सब्जेक्ट में कुछ नहीं करना, आप लोगों को क्या करना है, हमको रिस्पॉन्स शीट मंगवाना है, तो सिर्फ वही चीज़ डालना है कि हमको रिस्पॉन्स शीट मंगवाना है। चलिए देखिए दोस्तों यहाँ पे डायरेक्ट मैंने लिख दिया है कि रिलीज रिस्पॉन्स शीट ऑफ कैंडिडेट ऑफ पीजीटी एग्जाम, आप लोग का जो पीजीटी का हम लोग का जो एग्जाम हुआ है उसको आपने आपको रिस्पॉन्स शीट प्लीज़ रिलीज कर दीजिए सर, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे देख सकते हैं कंपोज के बारे में, यहाँ पे आया हो कि कंपोज ईमेल में क्या लिखना है, आप देख सकते हो यहाँ पे कंपोज ईमेल करके यहाँ पे आ रहा है, इसी में हमारी जो भी स्टोरी है, जो भी हमारी जो अप्लीकेशन है वो लिखा जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या लिखना है मैं पहले से लिख के रखा हूँ दोस्तों, ठीक है, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। अगर आप लोगों को सब्जेक्ट में क्या लिखना है या फिर आप लोगों का ये प्रॉब्लम आ रहा है कि यहाँ पे क्या लिखना है, क्या ईमेल आईडी है, क्या है, मैं सारी चीज़ें डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से कॉपी कर लेना। अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होगा तो मैं एक ईमेल आप लोगों को मैं टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा, आप वहाँ पे जाके भी क्लिक कर सकते हैं, वहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप ये सारा मिल जाएगा। ईमेल आईडी भी आपको वहाँ पे मिल जाएगा, आपको सब्जेक्ट में क्या लिखना है और जो कंपोज ईमेल में क्या लिखना है वो भी सारी आपको जानकारी मिल जाएगा। चलिए सबसे पहले मैं कंपोज में क्या लिखना है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए दोस्तों मैंने सारी चीज़ें लिख दिया हूँ यहाँ पे, रिस्पेक्टेड मैंने पहले से लिख के रखा था, मैंने सिर्फ यहाँ से पेस्ट कर दिया। रिस्पेक्टेड सर, यहाँ पे देख सकते हैं, दिस मेल इज़ टू इन्फॉर्म यू दैट जेएसएससी पीजीटी एग्जाम इज कंडक्टेड इन बिटवीन 18 अगस्त टू 10 सितंबर 2023 इन वेरियस एग्जामिनेशन सेंटर। रिस्पेक्टेड सर लिखना है जैसे अप्लीकेशन में लिखा जाता है, इसका मतलब ये है मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि पीजीटी का जो एग्ज़ाम है वो कंडक्ट हुआ 18 अगस्त से लेकर 10 सितंबर के बीच में बहुत सारे सेंटर पे, वेरियस सेंटर पे ऑन 20 सितंबर 2023 जेएसएससी रिलीजेज द आंसर की रिलीज टू दिस एग्जाम, बट जेएसएससी इज नॉट रिलीज द रिस्पॉन्स शीट ऑफ द कैंडिडेट। ठीक है दोस्तों इसका मतलब ये है कि जो जेएसएससी है वो 20 तारीख को आंसर की तो रिलीज किया बट रिस्पॉन्स जो है सीट को रिलीज नहीं किया दोस्तों। तो इसीलिए सो वी ऑल पीजीटी कैंडिडेट आर रिक्वेस्टेड टू प्लीज प्रोवाइड द कैंडिडेट रिस्पॉन्स शीट एलॉन्ग विद द आंसर की बाय विच अ कैंडिडेट एग्जामिन देयर सेल्फ इन अ प्रॉपर मैनर, जिससे कि हम लोग हैं अपने जो कैलकुलेट है मार्क्स को अच्छी तरह से कैलकुलेट करें। लास्ट में थैंक्स एंड रिगार्डिंग, देखिए दोस्तों एक दफा मिल जाएगा उससे थोड़ा अच्छा लगेगा, उनको भी भारी मात्रा में मेल करें, बहुत सारे लोग एकजुट होकर एक साथ आएंगे तभी होगा। अब क्या करना है, अब यहाँ पे देख सकते हैं सेंड का ऑप्शन आ रहा होगा, देखिए दोस्तों यहाँ पे सेंड का ऑप्शन आप लोगों को दिख रहा होगा, यहाँ पे आप लोगों को क्लिक कर देना है। ठीक है दोस्तों मैंने क्लिक कर दिया,
अब मेल गया कि नहीं गया वो कैसे करना है, फिर से मेल के सेक्शन में जाएंगे। यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा, यहाँ पे आप देखिए सेंड का ऑप्शन दिख रहा होगा, दिख रहा है सेंड का ऑप्शन दोस्तों, यहाँ पे सेंड का ऑप्शन दिख रहा है आप लोगों के सामने, सॉरी हाँ देखिए दोस्तों यहाँ पे सेंड का ऑप्शन आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए मैंने यहाँ पे क्लिक कर लेना है, देखिए यहाँ पे एक चीज़ सेंड का ऑप्शन में दिख रहा है, तो झारखंड में वो वाला, वहाँ पे क्लिक करना है आप लोगों को, यहाँ पे खुलेगा तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि प्लीज़ रिस्पॉन्स शीट ऑफ कैंडिडेट ऑफ पीजीटी एग्जाम, आप यहाँ पे देख सकते हो कि मेरा मेल चला गया, ठीक है दोस्तों। थैंक यू सो मच, थैंक यू।